एक बड़ा ही दुखद समाचार जो कि कश्मीर से आ रहा है। इस समाचार के चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुखद इसलिए है क्योंकि एक टीनेजर लड़का जो कि युवावस्था में ही, जिसने भी बहुत कुछ देखना था, एक गेम जो पबजी गेम है, जो कि एक बहुत ही घटिया किस्म की गेम है, उस गेम ने एक और युवक की जान ले ली है कश्मीर घाटी के अंदर। ये युवक जो है, आज सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए इसकी फैमिली इसको उठाने जा रही थी, तो उन्हें क्या पता था कि उनका बच्चा जो है जीवित ही नहीं होगा। जब उन्होंने देखा तो बच्चे के हाथ में मोबाइल था और उसमें पबजी गेम चल रही थी। उसी टाइम उन्होंने फटाफट नज़दीकी हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेके गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने उस बच्चे को जो है मृतक घोषित कर दिया। आज से लगभग एक दो महीने पहले भी कश्मीर के अंदर एक बच्चे की डेथ हुई थी। वो बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़ता था और वो बच्चा भी पबजी गेम खेलने से जो है उसकी डेथ हुई थी। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जितनी भी फैमिलीज इस वीडियो को देख रही हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनके बच्चे ये जानलेवा गेम ना खेलें। ये अभी खबर आ रही है कि बीती रात ये बच्चा शायद 5 से 6 घंटे लगातार पबजी गेम खेलता रहा, जिसके बाद इस बच्चे की हो सकता है कुछ दिमाग काम करना बंद हो गया हो, या पता नहीं किस तरह का कोई जो है कारण बना हो इस बच्चे की मृत्यु का। हालांकि जो इससे पहले कश्मीर के अंदर एक मृत्यु हुई थी, उसके अंदर जो है बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और तब भी एक बच्चा जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा था, और उसका कारण भी था पबजी गेम। पबजी गेम ने जो है लगातार इस तरह की जो है चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं, जिसके अंदर अब एक बार फिर से पबजी गेम की वजह से एक बच्चे की और मृत्यु हो गई है। ये बच्चा सेंट्रल कश्मीर का रहने वाला था, जहां से ये खबर आ रही है कि ये बच्चा, इस बच्चे की उम्र 19 वर्षीय बस इस बच्चे की उम्र थी, और सेंट्रल कश्मीर का ये बच्चा रहने वाला था। और क्या पता था कि फैमिली को कि ये जो गेम को जिस तरह से सिर्फ गेम ही लिया जाता है, वो गेम जो है कातिल बन सकती है बच्चों की, और उनके फैमिलीज़ जो हैं आज कितनी परेशान होंगी। श्रीनगर की ये एक फैमिली है जो कि सेंट्रल कश्मीर के रहने वाली एक फैमिली है, जिनका बच्चा जो कि सिर्फ 19 वर्षीय था पबजी गेम खेल रहा था, और पबजी गेम खेलते खेलते इस बच्चे की जो है मृत्यु हो गई है। श्रीनगर में ये दूसरा जो है केस सामने आया है पिछले 3 महीनों में, जिसमें पबजी गेम खेलते खेलते बच्चे की जो है मृत्यु हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ये जो मृत्यु हुई है पबजी गेम खेलने की वजह से हुई है, जिसके लिए बार बार बात की जाती है कि इस गेम को जो है यहाँ से बैन करवाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला एक मामला सामने आया था, वो भी 2 महीने पहले कश्मीर से ये मामला सामने आया था, जिसके अंदर पहले भी पबजी गेम की वजह से जो है एक बच्चे की जो है मृत्यु हो गई थी, और अब एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले एक जानलेवा गेम आई थी ब्लू वेल के अंदर जो है अलग अलग किस्म के टास्क दिए जाते थे, जिसके अंदर भी लोगों की मृत्यु सामने हुई, बच्चों की मृत्यु हुई, जिसके बाद इस गेम को जो है हिंदुस्तान से बैन कर दिया गया। अब जो ये दूसरी जानलेवा गेम है, ये है पबजी, जो बच्चों के दिमाग में इस तरह से घर कर जाती है कि बाद में बच्चे जो हैं इस तरह से हम लोग अपने घर के बच्चों से जो है बच्चे हम खो देते हैं। आज कश्मीर का एक बच्चा जो कि पबजी गेम खेल के जिसकी मृत्यु हो गई, जो अभी खबर आ रही है, ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है। और मेरे ख्याल से मैं एक बार फिर से कहूँगा, जो फैमिलीज़ हैं खास करके, वो ध्यान रखें कि उनके बच्चे ये गेम ना खेल रहे हो। अगर ये गेम वो बच्चे खेल रहे हैं, तो आप कृपया करके इस गेम के जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसका ध्यान रखें कि ये गेम जो है एक जानलेवा गेम है, और इस गेम से लगातार बच्चों की जो है मृत्यु हो रही है। आज एक टीनेजर बच्चा जिसका कातिल ये पबजी गेम है, वो आज उस फैमिली से पूछिए कि उनका बच्चा, जब उन्होंने आज उस बच्चे को ब्रेकफास्ट के लिए उठाया और वो बच्चा नहीं उठा और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके गए, सेंट्रल कश्मीर का ये केस है, और वहाँ पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। इससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा, एक कश्मीर के अंदर ही इसी तरह का एक केस सामने आया था, जिसके अंदर 16 साल का बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसका कारण भी था ये पबजी गेम। और उस टाइम भी ये बच्चा जो है लगातार 6 घंटे तक पबजी गेम खेल रहा था, और उस टाइम ये बच्चा
जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6 घंटे जो पबजी गेम खेल रहा था, ये हिंदुस्तान के किसी और कोने से ये खबर आई थी। लेकिन क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? और इससे पहले आपको याद है एक फिटनेस ट्रेनर भी जम्मू से, उनका भी मानसिक संतुलन ख़राब हो गया था इस पबजी गेम खेल के। तो ये एक ऐसी गेम है जो बच्चों का मानसिक संतुलन के ऊपर सीधे अटैक करती है और बच्चों को जो है इतना ज़्यादा उस चीज़ के साथ एंगेज कर देती है कि बच्चे सब चीज़ें छोड़ के उस पबजी के साथ एंगेज हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप गेम खेलने के साथ साथ लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं और इतना ज़्यादा लोग, आप जो लोग पबजी गेम खेल रहे हो आप कभी उनकी तरफ देखिएगा, वो लोग खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं और सिर्फ इस पबजी गेम की तरफ जो है अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। जिसके अंदर कई बार ये बात की भी जाती है कि ये जो पबजी गेम है ये एक इतनी ख़तरनाक गेम है जिससे लगातार बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और ये कश्मीर से खबर आ रही है जिसके अंदर एक पबजी गेम खेलते हुए एक बच्चा, सेंट्रल कश्मीर का जो बच्चा इस गेम को खेल रहा था, और उसी के चलते जो है ये बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी जो फैमिली जब वहाँ पहुँची और उसकी फैमिली ने जब ये देखा कि वो बच्चा अपना जो ब्रेकफास्ट के लिए उसको उठाया, तो वो 19 वर्ष का बच्चा जो कि कश्मीर का रहने वाला था वो बच्चा नहीं उठ पाया। और उसको फिर जब नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल फ्लोरेंस हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर बच्चे को डॉक्टरों ने जो है मृतक जो है डिक्लेयर कर दिया। और वो बच्चा, हम लोग आज उस बच्चे से जो है उसकी फैमिली महरूम हो गई है। 19 साल का सिर्फ ये बच्चा, और आज हम लोग उस बच्चे के बिना पता नहीं क्या, आज उस फैमिली के लिए ये पबजी गेम कितनी ख़तरनाक साबित हुई है वो आपके सामने है। सभी फैमिली से अपील है कि अपने बच्चों को इस गेम से दूर रखें, और बच्चों से अपील है कि भाई आप लोग स्पोर्ट्स में जाइए, गेम मोबाइल पे ना खेलिए, वर्चुअल वर्ल्ड में गेम ना खेलिए, फिज़िकली अपने आप को गेम्स के साथ जोड़िए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, स्विमिंग करिए, मार्शल आर्ट्स खेलिए, कराटे, टाई कमांडो, कितनी गेम्स हैं वो गेम खेल के तो आप स्टेट का नाम भी रोशन करोगे गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाके। पबजी से आप कौन सा नाम रोशन कर रहे हो? किसी का कोई नाम रोशन नहीं हो रहा पबजी से। इसे बंद करें, और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको जल्द से जल्द बैन करें ताकि ये बच्चे जो हैं इस पबजी की तरफ ना जाएं, जो असली गेम्स हैं उनकी तरफ जाएं और अपना नाम जो है स्टेट का भी रोशन करें, अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करें, इस तरह से अपनी फैमिली को रोता बिलखता हुआ ना छोड़ के जाएं। ये बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है, एक टीनेजर बच्चा पबजी खेलते हुए उसकी डेथ हो गई है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।